नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी के अध्यक्ष यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, बीपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय द्वारा जो एक तरह से ट्वीट करके यानी कि उनके द्वारा बीएड के लिए क्या स्टैंड है इस एग्जाम को लेकर, उसके विषय पर हम बात करेंगे। देखना कितना शातिर यह दिमाग लगा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह किसी न किसी भी सूरत में है ना, हर तरफ से यह दांव पेच यही लगा रहे हैं कि किसी तरह हमारा जो चुनाव है ना यह व्यतीत हो जाए, समझ रहे हो। उसके बाद जो भी होगा सो होगा, अगर भर्ती अटकेगी तो अटकेगी, लटकेगी, चाहे जो होगा। लेकिन अभी फिलहाल में यह चाहते हैं कि भर्ती सही समय पर हो। यह इनका स्टैंड इस वजह से है ऐसा क्योंकि अभी तक तो यही होने वाला था जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से वर्डिक्ट नहीं आया था फाइनली कि बीएड वाले बाहर नहीं होंगे, तब अब तक तो इनका यही स्टैंड था कि फटाफट किसी तरह हम लोग चुनाव कराकर सॉरी एग्जाम कराकर इसका रिजल्ट दे दें और प्लस सिलेक्शन दे दें चुनाव के पहले पहले। लेकिन अब इनका स्टैंड इस तरह के इस तरीके से कुछ आ रहा है कि जैसे मैं पता चल जा रहा है कि भाई हाँ, आप बीएड को बहलाने फुसलाने के लिए ही सारे सिस्टम ला रहे हो। जो भी आप कमेंट कर रहे हो ना, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं समझ सकते। हम सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन बस चुप इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास, हमारे सर पे किसी राजनीतिज्ञ का हाथ नहीं है। क्योंकि हम भी जीत सकते थे, मतलब कि हम भी लड़ सकते हैं, बहुत सारे स्टैंड हैं है ना, हम अभ्यर्थी भी लड़ सकते हैं बीएड बीटीसी वाले। देखिए प्रसाद, जो सबसे बड़ी चार दिन की चाहे जो भी चीज़ें हैं, अब यह केंद्र का जो भी स्टैंड रहा, फिर इसके बाद बीपीएससी द्वारा यह कमेंट किया जा रहा है अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष महोदय द्वारा, कि जो बीएड प्रशिक्षु हैं, अंत तक सुनिएगा, यहाँ पर किसी भी एक पक्ष की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे घर में बीएड वाले भी हैं और बीटीसी वाले भी हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई किसी एक पक्ष के विषय में यहाँ पर बात किया जाएगा प्रशिक्षु, इसका कोई भी स्टैंड नहीं हम लेंगे। लेकिन आप लोग को जो चीज़ें आ रही हैं सामने, वह चीज़ें मैं बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। और आप तो स्वतंत्र हैं ही, कमेंट कर सकते हैं इसके विषय में, कोई आपको रोक टोक नहीं है इसके लिए। नहीं मैं कमेंट में कभी आपको ऐसा कुछ कहता हूँ कि आपने कमेंट क्यों किया, आप कमेंट करिए भरपूर तरीके से क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपके पास डिग्निटी मिली हुई है, ठीक है बच्चों। देखिए पहले तो यह इनका कमेंट, इनका एक तरह से ट्वीट आया कि भाई बीपीएससी जो एग्जाम लेने जा रही है सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट यह बताए इनको कि बीएड प्रशिक्षु अब कहाँ जाएं, उनके लिए जो रोड मैप तैयार किया गया था उनकी लाइवलीहुड उनसे छीन लिया गया, यानी कि अर्निंग का जो उनका जरिया था वो आपने खत्म कर दिया। और हमारे पास मौलिक अधिकार है कि हर एक नागरिक को जीने का अधिकार है, अगर सरकार ऐसा करती है तो भी उसके लिए प्रावधान है कि भाई हनन हो रहा है उनके मौलिक अधिकार का, उसके लिए जो भी सजा है उसको वह एक्सेप्ट करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह चीज़ें की हुई है, यानी कि अब बीएड वाले कहाँ जाएंगे, पहले तो यह बात रही। अब दूसरी तरफ स्टैंड अगर यह चीज़ें जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर से कि भाई हमारे लाइवलीहुड का हनन किया गया है, बीएड वाले प्रशिक्षु लेके जाते हैं, तो अब ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें केवल बीएड के पक्ष की बात सुनेगी, नहीं। और ना ही वह यह जानती है, मतलब यह सारी बातें वो जानती है कि भाई बीएड को केवल एक बार, मतलब एक ही रास्ता नहीं बीएड के लिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ बीएड प्राथमिक में ही वैलिड है, बीएड के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आखिरकार जो बच्चे बीए बीएससी ये उनके लिए काफ़ी रास्ते हैं, वह पीजीटी के लिए भी वैलिड है, वह पीजीटी के लिए भी वैलिड हो जाएंगे अगर वो उन्होंने एमएससी वगैरह कर रखा है, तो मतलब ये हैं, प्लस एलटी ग्रेड है, प्लस बीईओ है, बहुत सारे रास्ते हैं ओपन हैं, वह जा सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार से बीपीएससी के अध्यक्ष जी ने कहा है, महोदय जी ने, कि भाई इनके पास इनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है, इनका अर्निंग का जो जरिया है वह छीना जा रहा है, अब कहाँ जाएंगे। बात आपकी सही है, उनके साथ गलत हुआ है, सभी लोग मानता है, पूरा देश मानता है कि हाँ बीएड वाले प्रशिक्षु के साथ गलत हुआ है। आखिर 5 साल पहले क्यों नहीं बताया आप, अगर यही स्टैंड 5 साल पहले ले लेते तो बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयागराज की गलियों में इस तरह से भटक रहे हैं जिनके मम्मी पापा, मैं बता दूं आपको, एक बहन है जिन्होंने कमेंट किया है, उनकी एक बीटीसी की हुई है, एक बीएड कर रही हैं, है ना, दोनों एक ही बाप के पुत्री हैं, पिताजी की पुत्री हैं। तो जो बीटीसी वाली है ना, इस वजह से लड़ रही है और यह कह रही है कि यह बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत ही भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे थे। भाई यह वायरल भी हो रहा है वीडियो, आप लोग देख रहे हैं तो देखिए उस चीज़ को, हमने नहीं डाला इस वजह से क्योंकि हो सकता है दूसरे का वीडियो हो तो कॉपीराइट आ जाए, ठीक है, इस वजह से हमने नहीं डालने का प्रयास किया। और देखूंगा अगर आ सकता है तो मैं उसका शॉर्ट बना के जरूर आपको दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह स्टैंड लिया जा रहा है उन दोनों व्यक्ति, जो न्यूज मीडिया वाले हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं हर दिन, मैं बता रहा हूँ ना। अगर प्रयागराज में आप देखेंगे, प्रयागराज की गलियों में हर एक, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जो कि जो मार्टिन है, प्लस आपका यह क्या नाम है, जहाँ पे पीएनपी है,
पीएनपी सचिवालय उसके आसपास की गलियां देखिए, वहां भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं, अधिकतर बच्चे बीएड वाले हैं, यानी कि वहां पर रात को बच्चे पढ़ते हैं, दिन मतलब रात को पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, शाम के समय वो अपने अधिकार के लिए प्रशिक्षु इस प्रकार से लड़ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि उनके लिए कुछ है ही नहीं, रोग आ गए, मतलब किसी तरह से हमें पहले अलाउ करना चाहिए। देखिए हाँ, एक सरकार की ये गलती है, एनसीटीई ने जो गलती की है वो पूरे प्रशिक्षु को भुगतना पड़ रहा है। एनसीटीई ने अगर नहीं लाना था बीएड को अगर इस बार निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो किसी की गलती नहीं है और सिर्फ एनसीटीई की गलती है। इतना समझ लीजिएगा प्रशिक्षु, जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस आया तो यह बात तो तय है कि बखेड़ा फिर खड़ा होगा, बीएड फिर से अलाउ होगा, तो बीटीसी नहीं खड़ी होगी क्या उसके पक्ष में डिमांड करने के लिए, भाई क्यों अलाउ कर दिए, हमें भी अलाउ करिए टीजीटी पीजीटी में। यह सारे मुद्दे उठेंगे और यह बखेड़ा पता है किसको फायदा करेगा, हमें, हमारे लिए नहीं है, बीएड बीटीसी को नहीं फायदा करेगा, ये सिर्फ फायदा उन राजनीतिज्ञों को करेगा जो चूतिया बना रहे हैं देश को। देश को क्या, हम अभ्यर्थियों को बना रहे हैं, क्योंकि हमारे एक हाथ में पाबंदी लगी हुई है कि माँ बाप हम लोग से जो चाहते हैं कि बच्चा बीएड किया, बीटीसी किया, सब्जी बेचकर बीटीसी कराए, भाई दोनों बच्चियाँ जो है ना रो रही हैं, उनके पिताजी बीटीसी कराए एक को, अब दूसरी जो है बीएड कर रही थी, बीएड कंप्लीट हो गया था, तैयारी कर रही है, और एक बच्चा उसी में कोई विपिन पांडे करके हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं सीटेट में, करीब 118 नंबर ऐसे करके यूपीटेट में भी उन्होंने लेकर आए हैं, प्लस उनके भाई साहब हैं जो कि अभी बीएड कर रहे हैं, उनका कहना है अगर पहले से बता दिया गया होता हम तो मतलब बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने शायद एक साल का जब बीएड था तब किया था 2018 में, शायद 2018-19 वाले सेशन में यह सोच के किया था कि भाई चलिए बीटीसी हमारा करने की इरादा था, बीटीसी इस वजह हमने नहीं किया कि भाई बीटीसी कर लेते तो हो सकता था हमारे पास केवल इसी का रास्ता होता, लेकिन बीएड हमने इस वजह से किया कि हमारा पहली बात कॉम्बिनेशन भी शायद उनका नहीं बन रहा था, इस वजह से उन्होंने बीएड कर लिया कि चलिए भाई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, बीटीसी करने से कोई वो नहीं है, हो सकता है बाद में सारे सिस्टम सही हो, हम बीएड के लिए जब सरकार अलाउ किए तो बीएड कर लेते हैं। साहब उन्होंने अपने भाई को भी बीएड कराया क्योंकि बीटीसी बहुत सारे बैक आ रहे थे, यह भी सोचकर, और बीटीसी वाले जो मतलब कि जो पीआरटी के लिए एलिजिबल थे वो बीएड में बीएड वाले भी एलिजिबल थे, ये भी सोचकर उन्होंने करा दिया। अब यहाँ पर यह मुद्दा है प्रशिक्षु, यानी जो माँ बाप इस तरह से करा रहे हैं बच्चों को सब्जी बेचकर, मूँगफली बेचकर ठेले पे लगा के, तो उनकी माँ बाप के बातों का, माँ बाप के विश्वास का, माँ बाप के जो सपने हैं वो टूट रहे हैं, बच्चे रोएंगे नहीं, यानी कि अगर यह सारी बातें अगर आप 5 साल पहले बता दिए होते, अभी 2 साल पहले भी बता दिए होते, कम से कम कुछ अभ्यर्थियों की तो जो बीटीसी करना चाहते तो बीटीसी कर लेते, पीआरटी में जो आना चाहता थे पीआरटी में आने का सबसे मुख्य कारण यह भी है अभ्यर्थियों का कि बल्क में वैकेंसी आती है, अभी से देख ले अगर 5 सालों में टीजीटी में कितनी वैकेंसी आई, क्लियर हुआ नहीं है कितनी आई, 4500 आया है टोटल अभ्यर्थियों, 4500 से ज़्यादा नहीं वैकेंसी हमको देखने को मिला है टीजीटी में, तो जाहिर सी बात है बल्क वाले वैकेंसी पर ही बच्चे फोकस करेंगे। अब आप बीएड वाले को भी अलाउ किया तो बच्चे बीएड कर रहे हैं, इस मुद्दे को उछाला जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि आखिर क्यों अलाउ किए, फिर नहीं अलाउ करना चाहिए था ना, अगर आप अलाउ कर रहे हो तो साफ साफ है दोनों को एक तराजू पर तौल दीजिए, है ना, अगर ऑर्डिनेंस आएगा बच्चों तो बहुत बखेड़ा खड़ा होने वाला है, ये सारी बातें हैं ये पूरा देश जानता है, अगर उत्तर प्रदेश में आया तो, समझ रहे हैं ना, तो यही चीज़ें हैं। अब ऑर्डिनेंस भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, आपको पता है कुछ दिनों के लिए उसमें कानून बनाया जाता है, वो भी सत्र के हिसाब से, जब सत्र चलता है तो उसमें बातचीत चलता है, तो फिर उसके बाद उसमें रोक लगती है, तभी उसमें कानून बनता है। अभी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से देश उससे आहत हो रहा हो या फिर राज्य उससे परेशान हो तो उसके लिए एक अलग से सत्र लगा दिया जाता है, लेकिन अभी ऐसा भी कुछ नहीं है कि बीएड वाले को पेपर नहीं दिलवाएंगे तो देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा, तो यह सारी बातें हैं। खैर जो भी है हमारे साथ खेला जा रहा है बीएड बीटीसी करके, ये राजनीति कर रहे हैं, समझ रहे प्रशिक्षु, क्योंकि सामने है चुनाव और भर्ती तो देनी नहीं है इनको, बीएड बीटीसी के मुद्दे पे हम लोग भिड़ाए रहेंगे, बच्चा बीएड बीटीसी अभी कर रहा था अब बीएड बीएड चिल्ला रहा है, अब ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना, यह स्टैंड या जो राजनीति है ना, इनको तो सीधा भगत सिंह नहीं, भगत सिंह तो भाई असेंबली में बस बम फेंक कर चले आए थे ना, इस बार अगर कोई भगत सिंह निकलेगा ना तो सीधा बम ऊपर फेंकेगा, और यह चीज़ें हमें हो सकता है देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब दिल उबेगा ना तो यही सारी चीज़ें होंगी, यही बच्चे स्टैंड लेंगे, आखिरकार आप जब करा रहे हो बीएड बीटीसी तो पहले डिफाइन कर दो ना, पहले डिफाइन कर दिए होते, जो डेफिनेशन था पहले वही डेफिनेशन रहने दिए होते, क्यों उससे छेड़छाड़ी की है सिस्टम से, जब सिस्टम से छेड़छाड़ी किया जाता है तो उसके लिए कुछ सोच के किए होते कि आगे अगर कभी भविष्य में बदले नहीं, बच्चों के साथ कितना गलत होता है, एक सपना बच्चे का जब टूटता है ना
इस बात से बच्चे जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे तो इस बात को लेकर जी रहे थे कि चलिए भाई इस बार बीपीएससी में ही हमारा हाथ साफ हो जाएगा, हम पा जाएंगे नौकरी, क्योंकि वह लगे हुए थे, है ना, 2 साल का बीएड किए लग गए थे। लेकिन सोचना चाहिए, खैर जो भी है आप लोग जरूर बताइए कि इसके लिए सुझाव यानी कि बुरा हुआ कि नहीं हुआ। हम बीएड और बीटीसी के पक्ष में बात कदापि नहीं कर रहे, हम पूरे अभ्यर्थी के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये इस बात का ध्यान में रखना, और कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई प्लेटफॉर्म जो कर रहा है वो करने दीजिए उसे, लेकिन हम कभी इस मुद्दे पर कभी आए ही नहीं। हम बीएड वालों की तरफ से भी हैं और बीटीसी वालों के लिए तो पूरा क्लास पूरा सिस्टम हर एक चीज़ उनके लिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर कहाँ से कहोगे आप कि बीएड और बीटीसी सर कर रहे हैं। अगर बाय द वे ऐसी गलतियाँ होती हैं तो स्टैंड लिया जाता है पहले सरकार के द्वारा, तो उसके बाद वो नोटिस अगर कुछ ऐसा होता है बीएड के पक्ष में केवल तो बीएड के पक्ष के लिए बताया जाता है, अगर बीटीसी के पक्ष के है तो बीटीसी के पक्ष के लिए बताया जाता है। लेकिन ये गलत हुआ है बीएड वालों के साथ, सरासर गलत हुआ है प्रसचू। हाँ, अब आप यह कहोगे, बीटीसी वाले जरूर कहेंगे इस बात को, मुझे पता है कि सर फिर पीजीटी के लिए हर चीज़ में अलाउ करिए, तो उनके लिए रास्ता तो एक ही है। ये बात भी सही है आपका, लेकिन यह बात भी आप सोचिए अपने दिमाग से सही है कि नहीं है, कि आखिर उनको यह बात जो बच्चे केवल पीआरटी के लिए ही डालना चाहते थे तो बीएड इस वजह से कर लिए कि भाई चलो पीआरटी बहुत बल्क में आता है, मैक्सिमम लगभग 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं ना जिनका एक तरह से कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट का मिल ही नहीं रहा है, तभी वो बीएड किए क्योंकि पीआरटी में अलाउ था। तो भाई बीएड बीटीसी का पहले डेफिनेशन सही से सरकार को दे देना चाहिए, फिर उसके बाद सारे सिस्टम करें। अभी फिलहाल में मैं बता दूं, सबसे बड़ा फायदा राजनीतिक यानी कि सरकार को है, यानी कि आने वाला चुनाव को होने वाला है, यह अगर भर्ती नहीं निकाले इतना समझ लीजिए इनका बहुत बड़ा फायदा हमने किया है, जहाँ पे एक हाथ आपका कट गया, दायां हाथ बायां हाथ जो भी आप समझ लो, क्योंकि बीएड बीटीसी जब साथ में लड़ते तो ज़्यादा हुड़ होता और मे भी चांस ज़्यादा हो जाते भर्ती के लिए, लोग साथ होते। अब बीएड अपने, पहली बात है अपने एंट्री के लिए लड़ाई करेगा, अब बीटीसी के साथ तो थोड़ा लड़ेगा, चलो पहले चुनाव चले पहले हम भर्ती निकलवा दें, वो चाहेगा कभी ऐसा नहीं चाहेगा ना। तो आप इतना समझ लीजिए अब दो भाइयों को अलग कर दिया गया है, उनकी जो मजबूत जो उनकी ताकत थी ना उसको कमज़ोर बना दिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार जो खेलना चाहती है बच्चों स्टैंड, अब आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, इतना समझ लेना बच्चों भर्ती शायद ही इस वर्ष आए, है ना, जो भी चीज़ें हैं अगर इस वर्ष नहीं आया तो 2024 आप समझ सकते हैं चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है हम अभ्यर्थियों की। धन्यवाद।